नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल nagore.com में आपका स्वागत है। सोशल मीडिया कितना असरदार है, इस बात का अंदाजा देश और दुनिया को इस बात से पता चल जाएगा कि एक ट्वीट ने राहुल गांधी को भारत का नंबर वन नेता बना दिया है। मतलब साफ है कि देश के सबसे लोकप्रिय नेता कहे जाने वाले नरेंद्र मोदी दूसरे या तीसरे नंबर पर नहीं बल्कि चौथे नंबर पर आ गए हैं। वास्तव में अंतरिम बजट पर राहुल गांधी का किया गया ट्वीट ने ऐसी सुर्खियां बटोरी की, नंबर वन ट्वीट बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री कार्यालय के ट्विटर अकाउंट काफी पीछे छूट गए हैं। वहीं सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर की माने तो अंतरिम बजट 2019 को लेकर राजनेताओं या हस्तियों द्वारा जो ट्वीट किए गए उसमें राहुल गांधी का ट्वीट नंबर एक था। किसानों को 6000 रुपये प्रति सालाना वाली स्कीम की आलोचना करते हुए राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया उसे करीब 13000 बार रिट्वीट किया गया, जबकि नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया ट्वीट नंबर 4 और पीएमओ द्वारा किया गया ट्वीट नंबर 5 पर रहा। दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी रही। राहुल के ट्वीट का जवाब देने के लिए बीजेपी ने जो ट्वीट किया उससे करीब 9000 बार रिट्वीट किया गया। तीसरे नंबर पर एक पत्रकार का ट्वीट रहा जिसमें उन्होंने राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के मास्टर स्ट्रोक की बात की है। पांचवे नंबर पर पीएमओ को ट्वीट रहा जिसमें मिडिल क्लास को मिली टैक्स में छूट की बात कही गई, इसे करीब 4700 बार रिट्वीट किया गया। अंतरिम बजट को लेकर 21 जनवरी से 3 फरवरी तक 1.4 लाख मिलियन है जिसमें से कुल 8 लाख ट्वीट भारत से ही किए गए थे। बजट वाले दिन करीब 72000 ट्वीट प्रति घंटा की रफ्तार से ट्वीट किए गए थे।